प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहने पर बोले राहुल, बयान पर कायम हूं, नहीं मांगूंगा माफी। मोदी के साथ वार्ता में श्रीलंकाई राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, सभी भारतीय बोटों को करेंगे रिलीज। स्कूल में बच्चों से बेरहमी, हेडमास्टर ने रस्सी से बांध कर दी सजा। गोडसे पर माफी मांगकर राहुल को घेर गई साध्वी प्रज्ञा, बताया सन्यासी का अपमान। कानूनी पचड़े में फंसी कंगना की थलाईवी, मेकर्स पर आरोप, फिल्म बनाने की इजाजत नहीं ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो साध्वी प्रज्ञा पर दिए गए बयान को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी है, मैं अपने बयान पर कायम हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल का ये बयान तब आया जब प्रज्ञा को आतंकी कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सदन में साध्वी प्रज्ञा के माफी मांगने के बाद गोड्डा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ मोशन ऑफ प्रिविलेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निशिकांत ने राहुल के बयान को महात्मा गांधी की हत्या से भी बदतर कृत्य बता दिया है। उन्होंने शिवसेना को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता और लालच के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बना ली, शिवसेना ने सामना में गोडसे को देशभक्त बताया था। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपनी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा पर भारत दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें आतंकवाद से लेकर व्यापार समेत हर मुद्दे पर चर्चा की। साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर रूप में आतंकवाद का विरोध करता है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में भारत श्रीलंका के साथ देता रहेगा। दोनों देशों की साझा प्रेस वार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है, भारत की जितनी भी नौ बोट अभी श्रीलंका की कस्टडी में है, अब श्रीलंका उन सभी को छोड़ देगा। बता दें कि भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों को मुद्दा काफी पुराना है। अक्सर मछुआरे रास्ता भटक कर समुद्री सीमा पार कर देते हैं, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक स्कूल में बच्चों के साथ जाति का मामला सामने आया है। स्कूल के हेडमास्टर पर तीसरी और पांचवी कक्षा के दो छात्रों को क्लास में सजा देने का आरोप है। ये मामला आनंदपुर जिले के कादीरी इलाके में मसानम पेट्टा स्कूल का है, जहां सजा के नाम पर दो मासूम बच्चों को क्लास में ही रस्सी से बांध दिया गया। आरोप है कि टीचर ने पहले बच्चों के पैरों में रस्सी बांधी और फिर उन्हें बेंच से बांध दिया। इस घटना पर अभिभावकों ने स्कूल के हेडमास्टर की शिकायत की तो विवाद बढ़ गया। बाल अधिकार संगठन ने इस मामले का संज्ञान लिया। बाल अधिकार संगठन ने इसकी निंदा करते हुए कलेक्टर से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर विवादों में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में माफी मांग ली है। साध्वी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। मैं महात्मा गांधी का श्रद्धा सुमन से सम्मान करती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा है, कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, इसके बावजूद मुझे आतंकी कहना गैर कानूनी है। ये एक महिला, एक सन्यासी और एक सांसद का अपमान है। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था, जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जल्द ही जय जयललिता की बायोपिक फिल्म थलाइवी में नजर आएंगी। फिल्म और इनसे जुड़े विवादों के चलते कंगना इन दिनों काफी चर्चा में है। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही ये विवादों में पड़ती नजर आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता की भतीजी दीपा राजकुमार को फिल्म थलाइवी के निर्देशक एएल विजय और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट की यह अनुमति दीपा द्वारा तकरीबन एक महीने पहले फाइल की गई एक याचिका पर मिली है, जिसके लिए गौतम मेनन, एएल विजय और विष्णुवर्धन को नोटिस भेजा गया था। दीपा का आरोप है कि निर्देशक को जयललिता की निजी जिंदगी को पर्दे पर दिखाने से पहले उनके परिवार की इजाजत लेनी चाहिए थी।